सर्दियों में खांसी जुकाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको ये ज्यादा आसानी से होता है, ठीक होने में भी समय लगता है। अब ठंड में सर्दी जुकाम होने पर आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ये बोलते हुए सुना होगा कि जुकाम है, खांसी है, फल मत खाओ या फिर ये वाला फल मत खाओ। इसी से जुड़े कुछ सवाल हमसे सेहत पर पूछे गए हैं। पहला, क्या सर्दी जुकाम होने पर फल नहीं खाने चाहिए, खासतौर पर सर्दियों में? दूसरा सवाल, सर्दी जुकाम होने पर कौन से फल नहीं खाने चाहिए? और तीसरा सवाल, सर्दी जुकाम होने पर कौन से फल खाना सेफ है? सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित होना आम बात है। अधिकतर लोगों को सर्दियों के मौसम में काफ़ी खांसी और जुकाम हो जाता है, और एक बार हो जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग हमेशा कश्मकश में रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। खासकर फलों के बारे में हम लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बड़े बूढ़े कहते हैं ये फल खाओ और ये ना खाओ। चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो आपको कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है कि ठंडे तासीर वाले फल हमें नहीं खाने चाहिए, जिसमें आता है खीरा और तरबूज, ये फल हमें नहीं खाने चाहिए। उसके बाद आता है ज़्यादा चीनी वाले फल हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे अंगूर है, चीकू है, इनसे क्या होता है कि हमारा बलगम बहुत बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं खट्टे फल। खट्टे फल जो हैं ये बहुत हमारा हिस्टामिन एक होता है वो बढ़ाते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं और गले में इरिटेशन देते हैं, ये फल हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कुछ फल ऐसे हैं जो शरीर में एसिडिटी बढ़ा देते हैं, एसिडिटी बढ़ाने से भी हमें काफ़ी परेशानी होती है, गले में खराश बढ़ती है और उससे हमारा खांसी और बढ़ जाती है। उसके बाद हमें कड़े फल नहीं खाने चाहिए। कड़े फल क्या होते हैं, उसको पचने में टाइम लगता है, उससे एसिडिटी होती है, गले में खराश आती है, तो ये फल भी हमें नुकसान करते हैं। इसी तरह नींबू, संतरा, मौसम्बी, क्योंकि ये बहुत सिट्रिक और खट्टे फल होते हैं तो ये भी बॉडी में एसिडिटी बढ़ाते हैं, हिस्टामिन बढ़ाते हैं और इससे हमें जो है खांसी और बलगम बढ़ जाता है। उसके बाद अमरूद, क्योंकि ये एक बहुत कड़ा फल होता है, इसको पचाने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये फल भी हमें नहीं खाना चाहिए। और हमें जैसे मैंने बोला वाटरमेलन क्या है, वाटरमेलन एक बहुत वैसे तो बहुत अच्छा फल है, लेकिन इसमें 92% पानी होता है, तो ये पानी जो है शरीर में जाके हमारी शरीर की गर्माहट को कम करता है और उससे क्या होता है कि जो वायरस मर जाने चाहिए वो मरते नहीं हैं, बॉडी में गर्मी कम हो जाती है। हमें इस समय पपीता खाना चाहिए, उसमें पेपेन होता है एक एंजाइम जो कि हमारे शरीर में बलगम को कम करता है, म्यूकस को कम करता है और ये हमें फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह एप्पल जो है ये हम खांसी और जुकाम में खा सकते हैं और ये हमारे बलगम को कम करता है, खांसी को कम करता है। और कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर और कफ एंड कोल्ड अवे, तो एप्पल खाइए। आम खाइए, आम की तासीर गर्म होती है और आम जो है वो खांसी जुकाम में आप खा सकते हैं, तो आम खाइए। आप हर तरह की बेरीज़ खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेसबेरीज़, बेरीज़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और खांसी को भी जुकाम को भी कम करती हैं। ऐसे तो आप देखिए एक सलाह ये है कि फल खाइए, कई लोगों को कोई फल से नुकसान नहीं होता है, लेकिन फ्रिज से तुरंत निकाल के मत खाइए, इनको हमेशा रूम टेम्परेचर पे लाइए और तब ये फलों का सेवन करिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो किसी और को सूट कर रही हो वो आपको भी सूट करे एंड वाइस वर्सा। इसलिए ठंड में अगर आपको सर्दी जुकाम हो रखा है या फिर आसानी से होता रहता है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलकर अपनी डाइट तय करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपकी स्किन कुछ ऐसी क्यों दिखने लगी है।
कि आपकी जांघों, हिप्स या फिर पैरों पर डिम्पल्स जैसे बनते जा रहे हैं, स्किन लटक सी रही है, इसे सेल्यूलाइट कहते हैं। और इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। सेल्यूलाइट एक आम स्किन की कंडीशन है और इसमें स्किन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ लगती है। सेल्यूलाइट औरतों में ज़्यादा होता है पर ये आदमियों को भी हो सकता है। ये अक्सर जांघों, पैरों, हिप्स और कभी कभी पेट और ब्रेस्ट पर भी होता है। सेल्यूलाइट का मोटापे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेल्यूलाइट दुबले और ओवरवेट दोनों ही तरह के लोगों को हो सकता है। सेल्यूलाइट में स्किन बहुत ही उबड़ खाबड़ इसलिए लगती है क्योंकि स्किन के अंदर के जो टिश्यूज हैं, फैट मसल्स हैं, वो स्किन के कनेक्टिव टिश्यूज को धक्का देते हैं, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो पुश हो रहे होते हैं। सेल्यूलाइट का कोई एक कारण कहना मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण पाए गए हैं। पहला, क्योंकि औरतों में ज़्यादा होता है इसलिए इसमें एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का बड़ा रोल है। इसमें एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। दूसरा, क्योंकि थायराइड दुबले और ओवरवेट दोनों ही लोगों में पाया जाता है इसलिए इसका मोटापे से भी सीधा कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप घंटों तक बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उस एरिया में ज़्यादा सेलुलाइट होता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, खून की नलियाँ पतली हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है और इसलिए स्मोकर्स में सेलुलाइट ज़्यादा पाया जाता है। अगर सेलुलाइट माइल्ड है या बस होना शुरू हो रहा है तो कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि रेटिनॉइड, जो कोलाजन यानी स्किन के अंदर बनने वाले प्रोटीन जो उसे हेल्दी रखता है, दोबारा बनने में मदद करता है, उसे बढ़ा सकती हैं। इन क्रीम्स को लगाने से सेलुलाइट ठीक हो सकता है। इसके अलावा सेलुलाइट्स के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको किसी भी एडवांस्ड एस्थेटिक क्लिनिक में मिल जाएंगे। इसमें लाइट्स, लेज़र, अकूस्टिक वेव्स या फिर इंजेक्शन के ट्रीटमेंट होते हैं। लाइट और लेज़र हमारी स्किन के अंदर जाकर गर्मी पैदा करते हैं जिससे नया कोलाजन बनता है और स्किन स्मूथ हो जाती है। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्का सी हेल्थ टिप। जानिए छोले और राजमा खाने के बाद इतनी गैस क्यों बनती है। अक्सर वेजिटेरियंस को प्रोटीन के लिए दाल, राजमा, छोले और सोयाबीन खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ दालों को पचाने में दिक्कत होती है। इन्हें खाने के बाद गैस भी बनती है, पेट फूलने लगता है और ब्लोटिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। अब देखिए, दालों की बात करें तो दालों में प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह। दाल खाने से गैस क्यों बनती है, इसे जानने के लिए सबसे पहले दालों को दो ग्रुप्स में बांटना ज़रूरी है। पहला ग्रुप है आकार में छोटी दालों का, जैसे कि मूंग की दाल, मसूर दाल, चना दाल। दूसरे ग्रुप में आकार में बड़े छोले, सोयाबीन और राजमा आते हैं। दरअसल दाल का आकार जितना छोटा होगा उसमें उतना ही ज्यादा मात्रा में अल्फा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम मौजूद होगा। यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर इन्हें पचाने में मदद करता है और पेट में दाल को फर्मेंट होने से रोकता है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया और यीस्ट मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। आपके आसानी के लिए बता दें कि इसी प्रक्रिया से शराब भी बनती है, लेकिन बड़ी दालों में यह अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की मात्रा कम होती है जिस वजह से इनमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टूट नहीं पाते और पेट में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान काफ़ी गैस निकलती है। राजमा या छोले खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग और गैस की समस्या इसी वजह से होती है। इसलिए कोशिश करिए कि रोजाना आप दालें मत खाइए या फिर रोजाना ये छोले और राजमा मत खाइए। प्रोटीन के लिए दूसरी चीज़ें आप खा सकते हैं जैसे कि दूध, दूध से बनी चीज़ें और हरी पत्तेदार सब्जियां। साथ ही अगर किसी को ऑटो इम्यून बीमारी है जैसे कि ल्यूपस या फिर ऑटो इम्यून थायरॉयड, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा दाल मत खाइए, एक बार कंसल्ट कर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।